नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम सरदार शहर पहुंचे हैं, गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी का 60वां जन्मदिवस आज सरदार शहर में मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हैं, शमड़ी वृंद उपस्थित हैं, मुनि वृंद उपस्थित हैं, सतियाँ उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में लोग हर महासभा से लोग यहाँ पधारे हैं। 33 राज्यों की महासभाओं से लोग पधारे हैं, नेपाल से, भूटान से भी लोग पधारे हैं, और हर महासभा से, हर राज्य से, जितनी भी शहरों की जो और गांवों की जो सभा है वहां से भी लोग यहां पधारे हैं। आइए आगे के कार्यक्रम से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम की झलकियां हम आपके सामने पेश करेंगे। सभी सभाओं के प्रतिनिधि आज सरदार शहर पधारे हैं। हर सभा से, महासभा के अंडर जितने भी सभाएं हैं, तेलंगाना है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, असम है, नागालैंड है, जितने भी राज्य हैं वहां से प्रतिनिधि पधारे हैं। इवन नेपाल से भी, नेपाल, भूटान आप देख सकते हैं यहाँ। Yeah.
सारी सभाओं के प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, इवन देशों की बात करें तो नेपाल से भी आए हैं, भूटान से भी आए हैं, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, भूटान, बंगाल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, सभी सभाओं के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं महासभा के नेतृत्व में।
लगता है समय का। भविष्य को निवेदन करता हूं, आज के अवसर पर आप इस कमान को संभालें। निवेदन मुख्य गुणी महावीर कुमार श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक वंदन। आदरणीय मुख्य नियोजिकाजी, साध्वी गरियाजी, साधु साध्वी वृत्त, श्रमणी वृत्त, मुमुक्षु परिवार, श्रावक श्राविका परिवार एवं अन्य गणियों बहनों, आज का दिवस तेरापन धर्म संघ के लिए एक स्वर्णिम दिवस के रूप में सामने आया है। आज परम पूज्य श्री ने अपने जीवन के 60 वर्ष संपन्न कर लिए हैं और आज के इस दिवस पर परम पूज्य श्री को तेरापंथ धर्म संघ की ओर से, चतुर्विध धर्म संघ की ओर से युग प्रदान पदाभिषेक की प्रक्रिया संपन्न की जाए। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने आज 60 वर्ष संपन्न किए हैं। परम पूज्य श्री का जीवन का पहला दशक जन और शिक्षा के खातिर, शिक्षा के गुरुदेव ने अपना उनका दशक रहा और गुरुदेव देव कुमार बनकर इस धरती पर अवतरित हुए। अपने जीवन के द्वितीय दशक में परम पूज्य श्री ने दीक्षा स्वीकार करके साधना शील बनकर, अध्ययनशील बनकर अपनी योग्यता का विकास किया और जीवन के तीसरे दशक में दोनों युग प्रधान आचार्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा परीक्षित हुए और परम पूज्य श्री आचार्य श्री महाश्रवण जी जीवन के तीसरे दशक में आचार्यों के धर्म संघ प्रधान के रूप में अभिषिक्त करने की प्रक्रिया की जाने वाली है और तेरापन धर्म संघ में परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु और परम पूज्य जयाचार्य स्वनाम धन्य युग प्रधान आचार्य हुए और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को धर्म संघ द्वारा विधिवत युग प्रधान पद पर अभिषिक्त किया गया। और आज यह एक ऐतिहासिक दिवस जिस दिन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी ने अपने कर्तृत्व से मानव युग प्रधान स्वयं ही बन गए थे, किंतु आज धर्म संघ औपचारिक रूप में आपको युग प्रधान पद पर अभिषेक करने जा रहा है। मैं सबसे पहले इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व साध्वी आदरणीय साध्वी बनियादी और अग्रणी साध्वियों से निवेदन करूंगा कि वे नंदी आगम के संगत तुलि के श्लोक से इस पवित्र प्रक्रिया को शुरू करने की प्रारंभ करने का अनुग्रह। युग पुरुष बन कर किया युग चेतना रूप धरण युग प्रधान गणेश से सफल गणी
Thank you.
अहिंसा संजमो तब देवान तम नमं संति तस्या मंगल कामना की जाती है। दूसरों के प्रति भी मंगल कामना व्यक्त की जाती है और स्वयं के लिए भी व्यक्ति स्वयं मंगल कामना कर सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि मेरे प्रति भी मंगल भावनाएं मंगल कामनाएं मंगल शब्द अधिक व्यक्त किए जा रहे हैं। पर प्रसंग तो प्रसिद्ध है कि आज मैंने इस देह के 60 वर्षों की संस्कृति हुई है, 61वें वर्ष में और 6 दशकों की संस्कृति के बाद 60वें दशक में इस शरीर की उम्र के अनुसार प्रवेश प्राप्त किया। 60 वर्षों की उपलब्धि अपने आप से मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी जन्म दिया, आपने भी जन्म दिया और भी जन्म देते हैं, किंतु खास बात यह है कि जन्म देने के बाद आदमी करता है। मुझे जन्म प्राप्त हुआ संसार पक्षिया माँ संसार पक्षीय दृष्टि से पूजनिया माँ नीमा पाई और मेरे संसार पक्षीय पूजनीय पिता की स्त्री सुभद्र जी उनका साया मिला। परंतु नियति का योग है, संसार पक्षीय पिता स्त्री का साया उनके कार्य पर प्राप्त नहीं हुआ। मैं लगभग 60 वर्षों की बच्चा कभी भी पिता स्त्री का गया माता जी की और वैसे छह भाई प्रकट रूप में छह भाई जनक और भी माता प्रकट रूप में छह भाई थे। तो एक पिता के चले जाने के बाद जो सबसे बड़े भाई हो उनका एक जैसे वो साया माना जा सकता है। छह भाइयों में सबसे पहले श्री सुदांशु जी के ऊपर तो भाई मैंने आई अपने भाई हृदय सबसे बड़े भाई थे और बड़े भाई को कई थे यानी उनका एक बेटा उनमें मेरे से बड़ा उनका